sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh jazz drink. अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर 24 जाबिर हाल में मुनक़िदा कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में साबिक कारपोरेटर के सी शोकित पाशा बयान और हर एक से ये वैक्सीनेशन लेने, मुआशरती फासिले को बरकरार रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, इस कोविड चीन को तोड़ने के लिए मास्क पहनने के बारे में बयान। और प्यारे वालिदैन, बराए मेहरबानी अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि कोविड 19 की तीसरी लहर आपके शहर में है। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया के जरिया रिपोर्ट किया गया। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया पर रोजाना की ताज़ा तरीन खबरों के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक को लाइक शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन प्रोग्राम रहा ये ऑल ओवर इंडिया जो है प्रोग्राम जो 21 तारीख को शुरू हुआ जी। उस वक्त जनाब तनवीर सेठ साहब ने अपने घर में बुलाकर एक मीटिंग कॉल करने के बाद में एक चार सेंटर्स बनाए। चार सेंटर्स बनाने के बाद में वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन देने का एक प्रोग्राम करेंगे बोलकर एक डिसीशन हुआ। चंद ही घंटों में फौरन आकर जो है हमें व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए और जितना हो सकता है उतना मसाजिद के ज़रिए से ये मैसेज जो है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रही और कामयाब कोशिश रही जी। जब दूसरे दिन मैं बिलखसूस जो है बता रही 21/6 और 22/6 ये दो दिन जो प्रोग्राम रहा जी, उस प्रोग्राम में मैं और वहाँ के वार्ड के कॉरपोरेटर अयाज अलियास पंडो बशीर तीनों मिलकर जो है वहाँ पर पूरे तरह लोगों में आवाम में एक बेदारी पैदा करके जो रिस्पांस रहा वो देखकर बड़ी खुशी हुई। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर जमा हुए, बिलखसूस औरतों का हुजूम भी बहुत ज़रा ज़्यादा रहा और जेंट्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे, तो उनमें जो 18 साल से 40/4 तक का जो है इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा। वी कैन से दैट इट इज़ मोर देन 80% जो है 18-44 और एक 20% जो है 45 एंड अबव, ये लोग जो है आकर इनोकुलेशंस दलाने में कामयाबी रही। फर्स्ट डे बिलखसूस हमारे जब्बार हाल का जो स्टेटस है, फर्स्ट डे जो रहा एक 553 रहा, 553 मेंबर्स को कोई शील्ड वो वैक्सीन दिया गया। और दूसरे दिन सवेरे जो है सुबह से 4 बजे तक कोई शील्ड 503 लोगों को दिया गया, तो उसके बाद में जो है कोवैक्सीन कमी कोई शील्ड ख़त्म होने के बाद में कोवैक्सीन जो देना था वो कोवैक्सीन वो तकरीबन 100 लोगों में वो दिया गया जी। हालांकि जब डॉक्टर वो एरिया के जो डॉक्टर थे उनको डॉक्टर को बुलाकर बात करने से उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन हो या कोई शील्ड कोई फ़र्क नहीं है, एफिशिएंसी और उसके बाद में रिजल्ट्स वगैरह जो आते हैं दोनों भी सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो कोवैक्सीन जो डालते हैं वो हिंदुस्तान में अप्रूव है, अगर बाहर किसी को जाना है ट्रैवल करना है तो कोई शील्ड ही होना चाहिए, कोई शील्ड इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। तो उस वजह से जो लोग यहाँ पर लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कोवैक्सीन का लिया गया है और दूसरों को सभी कोई भी शील्ड दिया गया है। और उसके साथ साथ आज भी जो है वो सेंटर ओपन है, लेकिन बेदारी लोगों तक पहुंच चुकी है। आज जो है बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने आप जाकर जो है वो इंजेक्शन्स वगैरह दलाने में अच्छी खासी कामयाबी हो रही है। और बिलखसूस जो है जमीयत इस्लाम हिंद के एक टीम, एक नौजवान लड़कियों की एक ग्रुप, तकरीबन 10-12 लड़के जो हैं वो जमकर जुड़कर जो है यहाँ पर पहुँच कर वो टोकन्स वगैरह बनाने के बाद में टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर टोकन्स के ज़रिए से वो लोगों को आसानी के साथ में विदाउट एनी कन्फ्यूजन सीरियल नंबर्स के तहत तो बुलाकर पूरों को वैक्सीनेशन दिलाने में एक कामयाबी हासिल किए हैं।
नहीं अभी जस्ट जो है ये न्यूज़ के मुताबिक मैसूर में तकरीबन 750 को बच्चे जो है इसे इन्फेक्टेड हुए जी हैं, बिल्कुल और कल ही जो है एक 50 बच्चों को इसका इन्फेक्शन हुआ है। जी इसके लिए बहुत अहम और ज़रूरी है अपने माओं को बहुत सारा खास ख्याल रखना है। जैसे ही उनको सर्दी बुखार या गले में खराश ऐसी कुछ सिम्टम्स अगर आएँ तो फौरन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है। हमारे यहाँ पेडियाट्रिशियन तो नहीं है लेकिन अभी उसका इंतज़ाम किया जाना है। तो जो भी डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं, वो बाकायदा उन बच्चों को अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा और उसके बारे में बहुत सीरियस तरीके से सोचा जा रहा है कि यहाँ पर जो है पेडियाट्रिशियन एक जो है जो बच्चों के लिए ही होता है उसको एक कंसल्टेंट की हैसियत से उसको लाना और यहाँ पर रखना, उसके साथ में सही इलाज होना वो करना। लेकिन बिलखुसूस मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें कि उनको क्या खांसता है, क्या सर्दी होती है या बुखार आती है, तो फौरन जो है अपने बच्चों को ले जाकर जो है पेडियाट्रिशियंस में शॉप में रहन दे, हॉस्पिटल में रहन दे या कहीं चलवम्बा में रहन दे और फौरन फौरन जो है बच्चों का इलाज कराना। डिप्टी कमिश्नर के रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा जो अभी बता रहे हैं आप उसका कोई तरीके का यहाँ पर मैसूर में उसका थोड़ा भी उसका इफेक्ट या उसका ये नहीं है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में है और सारे डॉक्टर्स के ज़रिए से और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए से इसके बारे में जो है मालूमात कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा जो है स्टेज बाई स्टेज जहाँ जहाँ पर ये हो रहा है उस पर कंट्रोल रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा जो है ये काम चल रहा है। अगर कुछ केसेस नज़र आए बोले तो वहीं पर शायद वो मालूम होने के बाद में उसके साथ में हमारे एनजीओस और जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिशियंस, उन सबको शायद हम सबको मिलजुल कर खड़े होकर जो है हर एक भी जो भी इस तरीके के वबा आती है तो हमको फेस करना है। हमको बाकायदा गवर्नमेंट के साथ खड़े होना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ खड़े होना पड़ता है और उनका साथ देना चाहिए और जो भी नाम्स जो जो बनकर आते हैं उसको कट करने के लिए उसके साथ स्ट्रिक्टली वी हैव टू फेस। जी सर, जी सर, शुक्रिया सर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस न्यूज़ वाज़ स्पॉन्सर्ड बाय जैज़, द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे विद फ्रेश जैज़ ड्रिंक।